गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास सेकंड में एसिस्ट्री का लेसन 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है आवर अर्थ। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर का अर्थ जानते हैं। आवर अर्थ, आवर अर्थ का मतलब क्या होता है? आवर मीन्स हमारा, अर्थ मीन्स पृथ्वी। आज हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे जिस पे हम लोग रहते हैं, है ना, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जिस प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं यानी अर्थ, उस प्लैनेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम ऐसा जानेंगे कि ये हम लोग कहाँ रहते हैं। हम लोग लैंड पे रहते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये लैंड है जिस पर हम लोग रहते हैं। और ये लैंड कहाँ है? अर्थ, यानी ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अर्थ है जिस पर रहते हैं हम लोग, वो क्या है? लैंड है, ठीक है। और इसके अगर अर्थ के बाहर देखेंगे तो ये क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। तो पृथ्वी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम, यानी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। जिस सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं या जिसमें से हमारा ये पृथ्वी है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो सन होता है, ये सन से जो तीसरा प्लैनेट है जिसका नाम क्या है? अर्थ। यहाँ पे मंगल है, बुध है, ये फिर पृथ्वी है, है ना। ये सब क्या है? ये सब ग्रह है। ये अर्थ भी हमारा क्या है? अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, यानी अर्थ को हम अपना होम प्लैनेट भी बोलते हैं या आवा होम भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए ये जो हमारा प्लैनेट है यानी जो हमारा अर्थ है इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी। द अर्थ इज आवर होम। जो पृथ्वी है वो हमारा घर है। इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी जो अर्थ है वो भी क्या है? सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसी में से उन 8 प्लैनेट में से ही एक प्लैनेट है। इट इज़ राउंड इन शेप। और ये आकार में कैसा है? ये राउंड इन शेप यानी गोलाकार है, यानी आकार में सर्कल जैसा है, यानी गोल आकार है इसका, राउंड शेप का है। द अर्थ इज़ द ओनली नॉन नाउ प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यानी इन सारे प्लैनेट्स में से अगर हम बात करें सिर्फ अर्थ की, तो सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे जीवन संभव है, लाइफ एग्जिस्ट है, ठीक है। आवर अर्थ हैज़ एयर, वाटर एंड लैंड। भाई अर्थ पे ही क्यों लाइफ एग्जिस्ट है, लाइफ जीवन अर्थ पे क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे पानी है, हवा है, रहने के लिए स्थान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अर्थ पे, लैंड जहाँ हम रहते हैं, हवा है, पानी है। तो लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे क्योंकि वहाँ पे क्या है? पानी और हवा है। We need air to breathe in। हवा की, भाई हमें एयर की ज़रूरत क्यों है? सांस लेने के लिए पानी की ज़रूरत है। पीने के लिए लैंड की ज़रूरत क्यों है हमें? लैंड की ज़रूरत है क्रॉप के लिए, है ना, क्रॉप ग्रो करने के लिए, फसलें उगाने के लिए, और रहने के लिए भी है, है ना। तो द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आप देखेंगे जो लैंड यानी जो ये अर्थ है इस पर ये देख रहे हैं सारे वातावरण रहता है ना, एयर रहती है। तो ये सब क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है। वाटर कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। जो पानी है वो हमारे अर्थ का ज़्यादा भाग को, मतलब मैं कहूँगी अगर मैं अपने पृथ्वी के 4 हिस्से कर दूँ, 1, 2, 3, 4, तो ये 3 हिस्से जो हैं ये किससे कवर्ड है? यानी 3rd-4th एरिया जो है वो वाटर से कवर है। किससे कवर है? वाटर से कवर है, ठीक है।
तो आज आपने क्या पढ़ा, हमारे अर्थ को, हाँ अर्थ को हमारा होम भी बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे पानी का 70% ऑफ वाटर, जो यानी ये क्या है, पूरा अर्थ जो है ये 70% पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो आज आपने जाना अर्थ के बारे में। फिर हम अपनी अगली वीडियो में लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज आप यहाँ से लेके इतना अच्छे तरीके से रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसको समझेंगे, ठीक है? थैंक यू।